उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की सियासत हमेशा सुर्खियों में रहती है। कभी फैजाबाद अयोध्या बन जाता है तो अलाहाबाद प्रयागराज, तो कभी मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। हालांकि समय समय पर जगहों के नाम बदलने को लेकर भी मांग उठती रहती है। इसी बीच एक खबर आई कि जल्द ही लखनऊ का नाम बदलने वाला है। इस खबर के बाद मानो सियासी हलचल तेज हो गई। कई दल इस फैसले के समर्थन में आ गए तो कई इसके विरोध में, लेकिन सब ये जानना चाहते थे कि आखिर लखनऊ का नाम सच में बदल रहा है या फिर नहीं। और इस बात का सही जवाब कोई और नहीं, खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेहतर और कौन दे सकता था। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने वही फायर ब्रांड वाले अंदाज में कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर लोग हंसने लगे। योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम नाम बदलने के पहले घोषणा नहीं करते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि लखनऊ का ऐतिहासिक महत्व है, लखनऊ काफी प्राचीन नाम है और अभी यही रहने वाला है। वहीं जब योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा गया कि क्या भारत आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हिंदू कोई मत, मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है, ये एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर नागरिक पर फिट बैठती है। भारत का हर नागरिक हिंदू है, इसीलिए भारत एक हिंदू राष्ट्र है। योगी यही नहीं रुके, अपने सेशन के दौरान योगी विपक्ष पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में हर तीसरे दिन प्रदेश में दंगा और पलायन होता था, मेरे कार्यकाल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की तरफ से मांग की गई थी कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या फिर लखनपुर कर दिया जाए। उनका तर्क है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को लखनऊ सौंपा था, ऐसे में उन्हीं के नाम पर इस शहर की पहचान होनी चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के बाहर लक्ष्मण जी की कांस की एक विशाल मूर्ति लगाई गई है। उस मूर्ति के वहां लगते ही इस पुरानी मांग ने जोर पकड़ लिया। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में वो लिखते हैं कि ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने लक्ष्मण को लखनऊ तोहफे के रूप में दिया था। तब से इस शहर का नाम लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर था, लेकिन फिर 18वीं सदी में नवाब असफ उद्दौला ने इस शहर का नाम बदलकर लखनऊ कर दिया। अब देश अमृतकाल में पहुंच गया है, ऐसे में गुलामी के हर प्रतीक को पीछे छोड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।